हेलो, स्वागत आपके फिर से एक बार। चलिए, एक अच्छा न्यूज है जो CTI का, जो यानी कि जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं CITS, उसका एडमिशन का डेट है वो फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया। इस कारण मैं अभी आपको साफ साफ एक्सप्लेन करेंगे क्यों उसका डेट को एक्सटेंड किया गया। चलिए, फाइनली आपको अपना प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया है। जो ऑनलाइन एक्सटेंड है वो 15 जून से स्टार्ट था, ठीक है, और जो एक्सटेंड कर किया गया था 13 जुलाई तक, और उसको और एक्सटेंड कर दिया 21 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि लगभग एक हफ्ते का टाइम और बढ़ गया है। आपका एडमिट कार्ड आएगा 28 तारीख को, और 4 तारीख को आपका एग्जाम होगा, यानी कि 4 अगस्त को, और 8 अगस्त को आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और चॉइस फिलिंग 9 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका 13 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाना होगा ऑफलाइन, ठीक है। फिर ट्रांसफर राउंड आपको 19 को होगा, ट्रांसफर का जो रिजल्ट है वो 20 को आएगा। ऐसे ही आपका फिर सेम प्रोसेस वो चलता रहेगा। तो इसका डेट को एक्सटेंड करने का जो मेन जो कारण है वो है उसमें फॉर्म का बहुत कम गिरना। इसका मतलब ये है कि आपको हम दिखाते हैं एक और PDF, दिखिए दिखिए आपको दिखा देंगे एक ही PDF, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए, सबसे सब्जेक्ट रिलैक्सेशन रिमूवल, ठीक है, ऑफ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर CTI ट्रेनिंग, यानी कि CITS फ्रॉम सेशन 24 से 25 ऑनवर्ड। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑल कैंडिडेट एंड स्टेक होल्डर दैट इन द ऑर्डर ऑफ फैकल्टीज ऑफ स्मूथ एंड क्विकर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एस्पायरिंग इंस्ट्रक्टर फ्रॉम CITS फ्रॉम CTS टू CITS। इनकरेज मोर कैंडिडेट टू परस्यू CITS कोर्स टू इनकरेज द नंबर ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन ITI, ठीक है। तो चाहते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा CITS वाले ही इंस्ट्रक्टर ITI में पढ़ाए, देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग फॉर अ मोर स्किल्ड वर्क फोर्स। इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर द NTC NSE होल्डर सीकिंग एडमिशन अंडर CITS। मतलब कि जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया था ITI के द्वारा, कि जो भी ITI पे करना चाहते हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो पॉलिटेक्निक और बीटेक करना चाहिए उनको कुछ नहीं चाहिए, तो उसको हटा दिया गया। और ये एक तरह से गलत भी था, कि जो क्योंकि कोर्स ITI भी है, कोर्स डिप्लोमा भी है, तो जब उनका सिर्फ कोर्स पर उनको मिल रहा है वैलिडेशन, तो आपको ITI पे 1 साल का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, जबकि ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और वो थ्योरी बेस्ड कोर्स है, ठीक है। तो इसको लेके एक अच्छा न्यूज़ है कि जो DGT है उन्होंने, मतलब NCVT ने, फॉर कैंडिडेट विद 2 ईयर, जो जिनका 2 साल का ITI है उनको 1 साल का जो था उसको एक्सपीरियंस को वहाँ हटा दिया गया, नो एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है, और जिनका 1 साल का ट्रेड था उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगे थे। ये तो कतई गलत ही हो रहा था उनके साथ, इसको भी आखिरकार रिमूव कर दिया गया, नो एक्सपीरियंस। मतलब आपका जो 1 साल का ट्रेड है या आपका 2 साल का ट्रेड है, आप ITI पास किया, आप जाइए डायरेक्ट, आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए बिना कोई झिक झिक के, बिना टेंशन के, ठीक है। दिस इज रिगार्ड एडमिशन फॉर द शेड्यूल 24 से 25 के लिए इसको चेंज किया गया, ऐसा कहना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपना कोर्स का जो न्यू गाइडलाइन है उसको पढ़ सकते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बात एक ही है, दोनों से आपको मिल जाएगा।